बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं रीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीरे आला पंजाब की मुआवन खुसूसी ब्राए ताक फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कौम को पीडीएम से बचाने की वैक्सीन भी ईजाद करेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीरे इत्तला'आत सेनेटर शिबली फराज ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि करप्शन में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। साइबर क्राइम सेल ने लड़की की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1644 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सियालकोट में ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के इल्जाम में 6 अफराद गिरफ्तार। GSP पतो के ऑफिस में महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख परवर मनाजर GSP पतो की चौधरी इकराम की शिरकत। मजहब इस्लाम में पाकिजगी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। नौ मुस्लिम अली सिद्दीकी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जामिया सिद्दीकिया मुजद्दिया रजिस्टर्ड सामरा हिल के मुहतिमम साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद इजहारुल कयूम सिद्दीकी के हाथों एक ईसाई नौजवान ने तालीमात इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान एक इमारत की तरह है जिसकी ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी। सांगला हिल भेड़ और नर्स अली मार्बल फैक्ट्री घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। असिस्टेंट कमिश्नर का कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। NAN24 न्यूज की जानिब से मैं हूं राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो। जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई नवी मोटे अगर लेते कपड़े सान चल गया। मैं कहता इधर किधर, कहता शाक चेक करने। ओ यार इन्हें भी नवी मोटरसाइकिल, इन्हें भी नवी नवी मोटरसाइकिल ले जाती। रात को पेट्रोल की जगह पानी पाई जाए। एक बंदा कहता खैर है, कहता चुप कर जाए, इन्हें कड़ा पता लगे। बुलेटिन में खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि कौम को पीडीएम से बचाने के लिए वैक्सीन ईजाद करेंगे फिरदौस आशिक अवान। लाहौर में मीर खलील रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम टाइफाइड कॉन्जिव गेट वैक्सीन के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि टाइफाइड कॉन्जिव गेट वैक्सीन फेज 1 में 12 और फेज 2 में 24 इजला में
लॉन्च की जा रही है। इस मौका पर फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स की वैक्सीन के जरिए जमीन फरोशी की सियासत खत्म करेंगे। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कौम को पीडीएम से बचाने की वैक्सीन भी ईजाद करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने बख्तावर भुट्टो की शादी के हवाले से कहा कि नई जिंदगी के आगाज पर बख्तावर के लिए दुआ गो, तहम हमारी गरीब बच्चियां भी सांझी हैं। उम्मीद है बख्तावर शादी के अखराजात कम करके गरीबों की मदद करेंगी। और वजीर आजम करप्ट नहीं, इनका असर रफ्ता रफ्ता वजीरों पर आएगा। शिबली फराज गुफ्तगु करते हुए शिबली फराज ने कहा कि थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो हो रही है इसका दारोमदार आपके मुआशरे पर है। मजीद कहा कि इस कल्चर के जिम्मेदार काफी दहाइयों के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही इमरान खान हल्फ लेंगे करप्शन खत्म हो जाएगी। शिबली फराज का कहना था कि तब्दीली कोई मौका नहीं है, ये एक अमल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करप्ट नहीं, इनका असर रफ्ता रफ्ता ही वजीरों पर आएगा। लड़की की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। साइबर क्राइम सेल ने मुलजिम शेराज को मंडी मोड़ अड्डा इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि साइबर क्राइम सेल के मुताबिक मुलजिम लड़की को ब्लैकमेल करके 50,000 रुपए भी ले चुका है। और कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करते चलें कि मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1,644 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 43,381 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,644 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 46 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,560 हो गई और मजमूई केसेस 5,41,031 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 32,726 है। और सियालकोट से आपको अपडेट करते चलें, सियालकोट में फौजा सराफ पर तशद्दुद के इल्जाम में 6 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सियालकोट के नवाही गांव सैदावाली में पेश आने वाले वाकये में मुलव्वस 6 मुलजमान को सदर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सबानामे फौजा सराफ की मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजमान ख्वाजा सराफ को डंडों से बेमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा सराफ के मुताबिक मुलजमान ने तशद्दुद के बाद इसके सर के बाल भी काट लिए थे। और अब खबर शामिल करते हैं पत्तोगी से। डीएसपी पत्तो की ऑफिस में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर मनाजर डीएसपी पत्तो की चौधरी इकराम खान की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तो की उसामा शेरोन नियाजी, एसएचओ थाना सिटी पत्तो की ताहिर महमूद खान, सदर तहसील प्रेस क्लब पत्तो की राना महबूब अहमद, सदी अहमद, हाफिज महबूब, बाबा मुर्तजा, अब्दुल शबान, अरशद हाकब अली और सैकड़ों आशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत। यहाँ पर एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि एक और ईसाई नौजवान ने तालीमात इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मजहब इस्लाम में पाकिजगी ने मुझे बहुत मुतासिर किया, नौ मुस्लिम अली सिद्दीकी का कहना था। और जबकि ईसाई नौजवान का इस्लामी नाम मोहम्मद अली हसन सिद्दीकी रख दिया गया। नौ मुस्लिम अली हसन सिद्दीकी ने सहाफियों से गुफ्तगु करते हुए कहा कि मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर मजहब इस्लाम में पाकिजगी ने किया। फिर मुफ्ती साहब जब तबलीग करते थे तो वो बातें मेरे दिल में उतर जाती थी। जब मैंने अपने वालिदैन से इजाजत तलब की कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे खुशी से इजाजत दे दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह साहबजादा इलामा मुफ्ती मोहम्मद इज़हारुल क़य्यूम सिद्दीकी के हाँ इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं बेहद खुश हूँ। इस मौका पर सहाफियों ने नौ मुस्लिम को मुबारकबाद पेश की। मुसलमान एक इमारत की तरह है, मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का कहना है कि मुसलमान एक इमारत की तरह है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। मुसलमान एक जान की तरह है, जब किसी पर ऐब लगाया जाए तो गोया ये खुद पर ही ऐब लगाया गया है। मुसलमान मुसलमान का भाई है, इनका ये रिश्ता तमाम रिश्तों से मजबूत है। हमें अपने रिश्तों और ताल्लुक को समझने की जरूरत है। हमें अल्लाह से डरना और तकवा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से डरना बायस रहमत है। सारे मुसलमान एक शख्स की तरह है, जब इसके किसी अज़ू को तकलीफ पहुँचती है तो उसका तमाम असर जिस्म पर होता है। नाज़रीन आपको सांगला हिल में एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि सांगला हिल भले रोड नज़्द अली मार्बल फैक्ट्री
घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग लगने की इत्तला पाकर रेस्क्यू 112 का अमला बरवक्त वहां पहुंचा और 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया और मजीद नुकसान होने से बचा लिया। और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर कोहिनूर में सॉल्ट एंड पेपर फूड प्वाइंट को सील कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 News HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।